हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम मिली और डबल एक्सेल फोन बूथ और कात्रा के हाल ही में बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शुक्रवार को तीन अलग अलग जोनर की बॉलीवुड फिल्में ने सिनेमा घर में दस्तक दी थी। ओपनिंग डे पर फिक्की शुरुआत करने वाली इन तीनों ही फिल्मों की कमाई दूसरे दिन यानी शनिवार को भी कुछ खास नहीं रही। एक और कैटरीना कैफ की फोन बूथ, सोनाक्षी सिन्हा की डबल एक्सेल और जाह्नवी कपूर की मिली दर्शकों को सिनेमा घर तक लाने में नाकामयाब साबित रही। तो दूसरी और छह हफ्ते बाद भी कन्नड़ा फिल्म कात्रा का जलवा कायम है। तो चलिए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने कितना कमाया है। जाह्नवी कपूर की और सनी कौशिक की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मिली को दर्शकों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। सामने आए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में ओपनिंग डे के मुकाबले में मालूमात बढ़ती दिखने को मिल रही है। शनिवार को फिल्म ने 60 लाख रुपए कमाए और इसका कलेक्शन 1,10,00,000 रुपये हो गए है। बात करते हैं फोन बूथ की। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ बॉक्स ऑफिस पर अपने साथ रिलीज हुई फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ओपनिंग डे पर 2,05,00,000 का कलेक्शन के साथ अपनी शुरुआत करने वाली फोन बूथ की दूसरी दिन की कमाई में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। शनिवार को फिल्म ने 2,55,00,000 रुपए का कारोबार किया है। अब ये फिल्म का कुल कलेक्शन 4,60,00,000 रुपए का हो गया है। अब हम तीसरी फिल्म डबल एक्सेल के बारे में बात करने वाले हैं। हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा तार डबल एक्सेल को भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला था। सामने आए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म दूसरे दिन महज 20,00,000 रुपए का ही कारोबार कर पाई है। ऐसे में दो दिन में फिल्म ने 45,00,000 रुपए का कारोबार ही किया है। अब बात करेंगे कात्रा फिल्म के बारे में। ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कात्रा का जलवा 6 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कायम है। कात्रा ने शुक्रवार को रिलीज हुई बॉलीवुड की तीनों फिल्मों से ज़्यादा कमाई कर ली है। 37वें दिन फिल्म ने 6,75,00,000 रुपए का कारोबार कर लिया है और अब इस फिल्म का कुल कलेक्शन 260,19,000 रुपए हो गया है।